हेलो फ्रेंड्स, teachmedaily.com में आपका स्वागत है। दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। अगर आपने टीच मी डेली चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से होल्ड लाकर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक्स, वेरियस शॉर्टकट मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही हम एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इसे अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्शन करना बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो में आपको कहीं पर एक लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपको कोई होल नंबर दिया है और फ्रैक्शन दिया है और आपको उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे सीखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में हमें 1 और 3/7 को ऐड करना है, जिसमें 1 क्या है होल नंबर में है और 3/7 फ्रैक्शन में है। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो 1 है उसे ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये 1 के नीचे एक 1 लगा लेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 1 में, क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसके नीचे अगर 1 लगाएं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लगा रहे हैं। ये 1 इसलिए लगा रहे हैं हम ताकि ये जो नंबर है ये भी फ्रैक्शन में बन जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों नंबर फ्रैक्शन में बन गए, तो अब इनको ऐड करना आसान है। तो इनको हम ऐड डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे इसको और इससे इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 7 7 प्लस बीच में ऐसे आ जाएगा 1 3 3। तो इन दोनों को ऐड करके कितना है, 7 प्लस 3 10 अपॉन 7। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे करेंगे, 7 से 10 को डिवाइड कर देंगे। 7 1 7 रिमाइंडर बचा 3। अब आप क्या करेंगे इसे यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको 1 3/7। तो इसे हमने कैसे लिखा 1 3/7, सबसे पहले हम यहाँ से गए इसमें, फिर यहाँ से आए इसमें। तो देखिए सबसे पहले 1, फिर आया 3 और फिर लास्ट में 7, ये देखिए अपॉन 7। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 1 7 प्लस 3 10 10 अपॉन 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें 5/3 और 2 को ऐड करना है, जिसमें 5/3 फ्रैक्शन में है और 2 होल नंबर में है। इसे भी वैसे ही करेंगे, 5/3 तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस 2/1 बन जाएगा ये, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर 1 लगा देंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाए। अब आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, तो इनका हम सीधे सीधे एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6। तो 5 प्लस 6 11 अपॉन 3, और यही है इसका आंसर। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 2। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 आएगा सबसे पहले, ये 3, फिर यहाँ से यहाँ 3 जो है वो होल में आ गया, 2/ फिर आएगा 3, जो 2/3 है वो फ्रैक्शन में है,
तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ये सही है या नहीं। 3 3 9 प्लस 2 11 अपॉन 3, तो ये सही है। इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है। तो हमने एडिशन वाले क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, अब हम कुछ सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 6 - 2/6 करना है, जिसमें 6 होल में गिवन है और 2/6 फ्रैक्शन में गिवन है। तो इसे भी वैसे करेंगे, 6/1 आ जाएगा यहाँ पे, -2/6। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6, 6 6 = 36 -2, तो 36 - 2 = 34 upon 6, और यही है इसका आंसर। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 34 / 6, 6 5 = 30, रिमाइंडर बचा 4। तो ये लास्ट में हमारा आंसर कितना आएगा, 5 4/6, 5 6 = 30 + 4 = 34/6। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें 12 - 3/5 करना है, जिसमें 12 क्या है होल नंबर में गिवन है और 3/5 फ्रैक्शन में गिवन है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे भी वैसे ही करेंगे, 12/1 1 आ जाएगा यहाँ पे, -3/5, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5, 12 5 = 60 -3 1 = 3, तो 60 - 3 = 57 upon 5, तो यही है इसका आंसर। तो चलिए इसे थोड़ी और आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक कर ही लिया है। तो वैसे आप अगर इतना भी लिखेंगे तो ये आंसर सही है, 57 / 5, 5 1 = 5, ये पूरा कट गया, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 = 5, तो 7 - 5 = 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11, क्योंकि होल नंबर में होगा, 2/5, ये फ्रैक्शन में होगा, तो 11 5 = 55 + 2 = 57/5। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि अगर आपको कोई होल नंबर गिवन है और साथ में एक फ्रैक्शन गिवन है तो आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हिंदी में सीखने के लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।